नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम आप लोग के सामने लाए हैं नए नोटिफिकेशन, जिसमें स्टाफ स्टेशन कमीशन ने अपने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का टायर टू का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। तो आइए बिना देरी के हम लोग विस्तृत से जानते हैं। विस्तृत से जानने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जी हाँ, जो कि ssc.nic.in है। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि एसएससी ने क्या बताया है अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे एडमिट कार्ड, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया उसे, एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस का साइट हमें देता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है ईस्टर्न रीजन के लिए, केरला कर्नाटका के लिए, साउथर्न रीजन, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के उन्होंने। अगर मैं सेंट्रल रीजन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा स्टाफ सेशन कमीशन के सेंट्रल रीजन वाले वेबसाइट पर। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो सेंट्रल रीजन वेबसाइट पे देखिए 5 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन, इसने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया था। मैं बता देता हूँ कौन सा रीजन किस तारीख को दिया था। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 9 तारीख को, मतलब कि आज ही नॉर्थ ईस्ट रीजन ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज किया है। वेस्टर्न रीजन 6 तारीख को, सेंट्रल रीजन 5 तारीख को, कर्नाटका केरला रीजन 4 जुलाई को, साउथर्न रीजन 4 जुलाई को, ईस्टर्न रीजन 4 जुलाई को, मध्य प्रदेश रीजन 22 जून को रिलीज कर दिया था, नॉर्थ रीजन 8 जुलाई को, वेस्टर्न रीजन मैंने बता दिया 2 जुलाई को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन 29 जून को। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डेट में डिफरेंट रीजन ने अपना कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया अपनी वेबसाइट के माध्यम से। चलिए देखते हैं इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट करता है और कैसे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसे तो इस लिंक पे क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसे होगी इसके लिए मैं आपको वेस्ट बुक दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बुक्स है जो कि 6 दिन में आप उससे तैयारी इजिली कर सकते हैं, अगर तक आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं SSCHSL टायर 2 विवरण परीक्षा निबंध एवं पत्र लेखन प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें 62 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे डाउनलोड करके देखते हैं। जी हाँ, क्लिक करने के बाद वो हमें रिडायरेक्ट करेगा एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस पे। यहाँ पे डाउनलोड करना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर याद है रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे वेरिफिकेशन यदि आप ह्यूमन है तो कैलकुलेट करके आपको डालना होगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, सिर्फ रोल नंबर मालूम है, तो आप इस यहाँ से रोल नंबर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मालूम हो तो अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा किस तरह प्रकार से डाउनलोड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रीजन का। तो जी हां, डिफरेंट डिफरेंट रीजन का आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। जैसे कि अभी मैं बता देना चाहता हूं, साउथर्न रीजन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा साउथर्न रीजन की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका लिंक यहाँ पर है डाउनलोड ई सर्टिफिकेट कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम उसी तरह से 3 ऑप्शन आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज और नेम वाइज। तो आप यहाँ से उस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको इस तरह के अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।